कवर टेस्ट्स होते हैं, ये भी बड़े ट्रिकी हैं। ये सिंपल से सिंपल था, कवर टेस्ट्स हैं इसमें। एक सुने, कवर टेस्ट्स, एक है इस पर कवर टेस्ट, एक है अनकवर टेस्ट, एक है ऑल्टरनेट कवर टेस्ट। कवर टेस्ट में आप चलो मैं करवा के लगा देता हूँ, आज लेना। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कवर टेस्ट ऑन द पेशेंट। कवर टेस्ट इज यूज्ड, इज परफॉर्म्ड इन द पेशेंट टू असेस द मैनिफेस्टेड स्किन, दैट्स ट्रोपिया। अनकवर टेस्ट is used to find out the latent squid, that is phorias, and alternate cover tests are performed to assess the total deviation, that is phorias plus tropia. अब इसमें मिसाल के तौर पे patient जो सा है उसकी ये वाली आँख deviated है बाहर की तरफ, और ये आम जो होती है सीधी है। आप आए पीने में एग्जामिनेशन करने के लिए, उससे कंसेंट लिया, सलाम अलैकुम, आप क्या का मायने करने की इजाज़त है। तो आपने देखा कि जो आम डेविएटेड है उसको नहीं छेड़ना, आपने जो नॉर्मल आई है उसकी आगे कवर रख देना, ठीक है। अब आप उधर देखें, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसको लेफ्ट साइड का मैनिफेस्टेड स्क्विंट है एक्सोट्रोपिया। अब जब दूरी में कवर करूँगा ना, आप यहाँ सीधी कर देंगे, ठीक है। आपने इसकी नॉर्मल आई को कवर करना है, नॉर्मल आई कवर सीधी होगी इसमें, यानी कि फिक्सेटिंग आई को कवर करना और नॉन फिक्सेटिंग आई को खोलना। ये नॉन फिक्सेटिंग है, ये फिक्सेटिंग होगी, ठीक है। अब मैं इधर से कवर लाया, इस तरह किया। अब आप सीधा देखना है शुगर। अब ये इससे पता लग गया कि पेशेंट जोन से है, उठाऊंगा बाहर ले जाना, ठीक है। बाहर से अंदर आई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सोट्रोपिया है। अब अंदर करें, इधर देखें। अब आपने स्टेट कर लेंगे, अब अंदर से बाहर गई है, इसका मतलब है इज़ोट्रोपिया। समझ आ रही, बड़ा सिंपल है। कवर करने का फ़ायदा ये है कि जब आपने ये फिक्सेटिंग आई को कवर, अगर फर्ज करें कि ये सींग आई है, ब्लाइंड नहीं है, ठीक है ना, और इसकी वीएन अच्छी है, तो आप इसको जब कवर करेंगे, मतलब ये सींग आई इज़ मोर पावरफुल और मतलब ये है कि स्क्विंट जोन्स है वो लेफ्ट आई में है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, और वी एन उसमें भी 6/6 है। ये ऑल्टरनेट दोनों में स्क्विंट है, बाई लेटर ऑल्टरनेट कवर, ऑल्टरनेट स्क्विंट है। ऑल्टरनेट भी होता है, कभी ये आँख बंदा एक आँख से वो फिक्सेट कर रहा होता है, कभी दूसरी से कर रहा होता है। ऑल्टरनेट स्क्विंट में, वी एन ऑल्टरनेट स्क्विंट में हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो अब आपने उधर बाहर देखें, उसी तरह करना है। अब मैंने इस तरह किया, अब ये इस तरह किया। अब जब ये मैंने इसकी सींग आई को बंद कर दिया, तो मजबूरन उसको उस आँख से देखना पड़ा। अगर फर्ज करें वो आँख ब्लाइंड होती तो वो बाहर की बाहर ही जाती, मतलब उसकी ठीक है, लेकिन अगर उसको एग्जिट हो गया तो आँख इस साइड पे होगी, जब आप इस आँख को बंद करेंगे तो वो दरमियान में आ जाएगी, हम सीधा देखेंगे, ठीक है। ये सिंपल कवर टेस्ट है। कवर टेस्ट में आप चेक करते हैं मूवमेंट ऑफ द डेविएटेड आई। अब अनकवर टेस्ट में आप देखते हैं मूवमेंट ऑफ द अनकवर्ड आई, ठीक है, और इसमें फोरिया देखते हैं। अब आप सीधा देखें, ठीक है। अब मैं इसको इस आम कवर किया, मैं कौन सी आम देखूंगा, मैंने राइट आई कवर की हुई है, पहले भी तो आप लेफ्ट ही देख रहे थे, अब कौन सी देखूंगा, अब राइट देखूंगा। अब मैं
ये हल्की सी अंदर गई है, हल्की सी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये बाहर से हल्की सी अंदर गई है, तो ये क्या हुआ? एक्सोफोरिया। एक्सोफोरिया इज वेरी कॉमन। सर अगर इनवर्ड मूवमेंट है तो ईसो नहीं होगा, बाहर से अंदर आई ना, तो अंदर की तरफ जा रही है ना, मूवमेंट तो इनवर्ड है ना, पहले तो बाहर से। अच्छा सर, बाहर से, ठीक है। तो वो एक्सोफोरिया जो सा या ईसोफोरिया, ये बाइलेटर होता है, एक 90% लोगों में होता है, ठीक है। ये मैं आपको करवा के भी दिखाऊंगा। ऑल्टरनेट कवर टेस्ट के आखिरी है ये। ऑल्टरनेट कवर टेस्ट ये है कि आपने, ये हमने टारगेट उसको वो सामने वाला दिया था, आपने नियर, आपने पेंसिल दे, ये पेंसिल की टिप को देखना है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं 2 सेकंड के बाद इस तरह। अब चूंकि ये नॉर्मल बंदा है, इसके अंदर हमें ऑल्टरनेट कवर टेस्ट में सिर्फ फोरियाज नज़र आएंगे। अगर आप, मैं इस पे गौर से देखता हूँ, इधर 33 सेंटीमीटर में, तो मुझे एक्सोफोरियाज नज़र आ रहे हैं। एकदम आती है, फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी आती है। ये सिंपल ही है, ये मैं एक दफ़ा लास्ट में आपको दोबारा बताता हूँ, उधर देखो सर, ये कवर टेस्ट है, इधर देख, ये इस तरह आ जाए कि कवर टेस्ट में, अनकवर टेस्ट में राइट आई को मैंने कवर किया हुआ, उसको मैं उसी को देखेंगे, अनकवर करते वक्त ये थोड़ी सी अंदर गई है, एक्सोफोरिया हुआ है। और आप पेशेंट को कह रहे हैं आप टारगेट को देख रहे हैं ताकि वो अकोमोडेट करता रहे, ठीक है। अभी मैं राइट को देखूंगा, आप लेफ्ट को देखूंगा, ट्रोपिया में होगा कोई नजर आएगा ना, टोटल डेविएशन आपको कवर्ड, वो तो मैंने बहुत मैनिफेस्टेड होगा ना, वो आराम से पता लगता है।